एक लखन वा दूजा मखन वा दोनों थे किसान, खेत दोनों के समान, लेकिन मखनवा था परेशान। लखनवा की थी उपज ज्यादा, उसकी उपज थी थोड़ी कम। यही सोचकर उसने ठाना, करूंगा कमाल हरदम। हल जोत की भूमि तैयार, हल जोत की भूमि तैयार, डाला हाइब्रिड बीज, खाद यूरिया कीटनाशक, डाली सभी आधुनिक चीज, पैसा पानी सा बहाया, फिर भी उसने कम ही पाया। देख लखन के निराले खेत, सोचा क्या है इसका भेद, शायद भूमि का है अंतर, या है कोई जादू मंत्र। मन उसका ना आया बाज, लखन से ही पूछा इसका राज। अरे ओ लखनवा भाई, किए हैं मैंने लाख जतन, फिर भी तेरे जैसी फसल नहीं आई, अब तुम ही मुझे बताओ क्या है इसका राज। अरे भाई, ये सब तो शाश्वत योगिक खेती का कमाल है ना। ये कौन सा फार्मिंग है भाई, इसका नाम तो हम पहली बार सुने हैं। अरे भाई मखनवा, ये तो बड़ी आसान खेती है। पहले हम भगवान की याद से बीज को शक्तिशाली बनावत है, फिर उन बीज को ईश्वर की याद में धरती में बोवत है, फिर गोबर का जीवामृत और जैविक खाद डालत है भाई, फिर अरे फसल को कीट से बचावे के लिए नीम और गोमूत्र का छिड़काव भी करे थे भाई। पर सबसे इम्पोर्टेंट भाई बात ये है कि भगवान की याद में बैठ के फसल को खूब शुभकामनाएं देते हैं। पौधे भी तो प्यार मांगते हैं ना भाई की जहरीली खाद। पागल हो गए हो का, हाउ इज दिस पॉसिबल। अरे भाई, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं अकेला नहीं हूँ, हजार किसान भाई लोग जो है यही विधि से खेती कर सफल प्रयोग कर रहे हैं। जरा यह फल तो चख के देख। अरे वाह, ऐसा टेस्टी फ्रूटवा तो हम अपनी सारी जिंदगी में नहीं खाया हूँ भाई। अब तो हम भी शाश्वत योगी खेती को ही अपनाऊंगा। खर्चा कम, मेहनत भी कम, और शुद्ध मन से उपजे शुद्ध अन्न। हम भी मेडिटेशन करूंगा, हम भी अब ऐसा ही खेती करूंगा। नए युग के लिए नई खेती, ये है शाश्वत योगिक खेती। अब लखनवा और मखनवा दोनों हुए खुशहाल, जीवन तो सुखमय हुआ, खेत हुए बहाल।